वाहन चेकिंग के बीच नगर थाना की पुलिस ने रिवॉल्वर गोली के साथ मौलागंज का अर्जुन कुमार सहनी और टोनी गिरफ्तार। यातायात डीएसपी सह प्रभारी मुख्यालय डीएसपी बिरजू पासवान ने नगर थाना पर प्रेस वार्ता आयोजित कर आर्म्स के साथ गिरफ्तार अभियुक्त के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को नगर थाना अध्यक्ष अपने पुलिस के जवानों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच इमली घाट की तरफ से आ रहा एक व्यक्ति पुलिस को देखते ही भागने लगा। पुलिस ने जिसे काफी मशक्कत के बाद पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके पास से एक रिवॉल्वर, एक कारतूस, एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ और एक मोबाइल एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। उन्होंने बताया गिरफ्तार अभियुक्त के 3 आपराधिक इतिहास रहे हैं जिसमें सभी लहरियासराय थाने में पूर्व से दर्ज है, जिसमें बालागंज निवासी टुनटुन सहनी का पुत्र अर्जुन कुमार सहनी को गिरफ्तार किया गया है। 3 मामलों में 2 उत्पाद विभाग के मामले हैं जबकि एक अन्य मामला लूट का बताया जा रहा है। नगर थाना में 358/22 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हो सकता है। प्रेस वार्ता में नगर थाना अध्यक्ष एचएन सिंह व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आगे की कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। दिनांक 5/12/22 को नगर थाना अध्यक्ष अपने साथ के सिपाही बल के साथ वाहन चेकिंग संध्या में कर रहे थे। चेकिंग के क्रम में इमली घाट की तरफ से आ रहा है एक व्यक्ति जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे पकड़ा गया। उसकी तलाशी विधिवत लेने पर उसके पास से एक पिस्टल, एक कारतूस, एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। उसका 3 आपराधिक इतिहास पूर्व से रहा है। तीनों कांड लहरियासराय थाना अंतर्गत है। 2 उत्पाद अधिनियम का है और एक लूट से संबंधित कांड है। पहले से इस व्यक्ति की तलाश लहरियासराय थाना को की। सही मोटरसाइकिल जो है इसका है, इसका खुद का है या चोरी का है, इसका सत्यापन किया जा रहा है। कौन है? पूरा नाम है अर्जुन कुमार सहनी, जैसा टुनटुन सहनी उर्फ टुनू सहनी, साके मौलागंज थाना लहरियासराय जिला दरभंगा। क्या एक पिस्टल है, एक कारतूस है, एक मोबाइल है और मोटरसाइकिल है। जहां से इनको गिरफ्तार किया गया है, क्या उस क्षेत्र में भी इन्होंने अपराध किया है या कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश वहां पे करने गया? निश्चित पिस्टल है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई घटना करता ही, लेकिन यह पहले से वांछित है 3 कांड में। इससे संबंधित नगर थाना कांड संख्या 358/22 आर्म्स एक्ट का 25(1)(b)(a)(26) आर्म्स एक्ट अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसके साथ और भी